हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा परफेक्ट तरीका से मोमो बनाने का रेसिपी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। बाज़ार से भी आप टेस्टी अपने घर पे मोमो बना के खा सकते हैं पूरे फैमिली के साथ। तो चलिए आज का रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बॉल लिया है और बॉल में हमें 300 ग्राम पत्ता गोभी को कद्दूकस करके इस तरह से हमें रेडी करना है। अब हमें कद्दूकस किया हुआ 2 ठो गाजर ऐड करना है इस तरह से, और 2 ठो मीडियम कटा हुआ इस तरह से प्याज हमें ऐड करना है। अब छोटा चम्मच से हम यहाँ पे आधा चम्मच नमक ऐड किए हैं और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड, हमें इस तरह से मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे अच्छे से जो सब्जियाँ था उसे हमने मिक्स कर दिया है और इसे हमें 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने 5 से 7 मिनट तक इसे छोड़ दिया था इसी तरह से। इसमें देखिए कितना सारा पानी निकल गया है। तो चलिए, हम सब्जी जो है वो अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे मार्किंग कपड़ा में छान लेना है ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए, और इसका पानी जो है उसे हम यूज करेंगे। चलिए, इसे पहले हम इसे मार्किंग में अच्छे से छान लेते हैं सब्जी को। आप देखिएगा कि इसमें कितना सारा पानी निकलेगा। ये देखिए फ्रेंड, कितना सारा पानी निकल रहा है। जितना हो सके उतना इस तरह से गार कर पानी निकाल लें। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इतना सारा पानी सब्जी में से निकाल लिया है। तो चलिए इसे साइड कर देते हैं, इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल ये जो सब्जी है इसमें थोड़ा सा ही पानी नहीं है, ये अच्छे से इसका पानी जो है निकल चुका है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 1 लहसुन को और 1 टुकड़ा बड़ा साइज का अदरक को हमने काट कर इस तरह से रखा है। अब हमें इसे ऐड करना है। अब 5-6 ठो यहाँ पे हरा मिर्च को हमें इस तरह से काट के ऐड करना है। फ्रेंड, आज बहुत बारिश दे रहा है इसलिए हम मोमो यहाँ पे बना रहे हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ता काटा हुआ ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा। अब हमें 1/2 चम्मच गोल मिर्च पाउडर ऐड करना है। अब हमें इसमें 1 चम्मच विनेगर ऐड करना है। आप चाहे तो 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। हमें इसमें चुटकी भर नमक ऐड कर देना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सब्जी जो है मोमो का वो अच्छे से हमने मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मोमो का मसाला जो है वो बन के रेडी हो चुका है। पहले इसको साइड में रख देते हैं। मोमो के लिए आटा गूंदना है। तो हमें आटा गूंदने के लिए हमने यहाँ पे एक बल्ब लिया है और बल्ब में हमें 3 कप मैदा ऐड करना है। हम मोमो जो है वो घर के लिए बना रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बना रहे हैं। तो आप चाहे तो ज़्यादा मोमो बना सकते हैं इसी तरह से। यहाँ पे हमने 3 कप मैदा ऐड कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और जो हमने सब्जी का पानी निकाला था हमें उसी से इसे गूंदना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने जो सब्जी का पानी को यहाँ पे निकाला था हमें इसी से मैदा को गूंदना है। तो चलिए अच्छे से हम मैदा गूंद कर रेडी कर लेते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी ऐड करके हमें मैदा को गूंदना है क्योंकि मैदा हमें पूरा टाइट ही गूंदना है। तो हमें इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी दे के अच्छे से मिक्स करना है और हमें गूंद कर मैदा रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आटा जो है वो हमने अच्छे से टाइट पूरा गूंद कर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम साइड में रख देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, आटा गूंदने के बाद भी इसमें थोड़ा सा पानी बच गया है। आप चाहे तो दूसरा पानी यानी कि प्लेन पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट जो होता है बहुत ही बढ़िया आता है। अब हमें थोड़ा सा आटा को इस तरह से कर देना है और 1 साइज का हमें लोई बना के रेडी कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा साइज का मोमो चाहिए तो आप उसी हिसाब से लोई बनाएं। ये देखिए फ्रेंड, हमें इस साइज का लोई बनाकर रेडी करना है। ये देखिए, यहाँ पे लोई जो है हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब हमें इस तरह से प्लेन कर देना है। इस तरह से हाथों से थोड़ा सा लोई को गोल करके ये देखिए इस तरह से हमें बना लेना है। तो चलिए इसी तरह से बना के हम रेडी कर लेते हैं लोई को। ये देखिए, यहाँ पे हमने ढेर सारा लोई बना के रेडी कर लिया है। अब हमें पूरी की तरह लोई को बेलना है। तो यहाँ से हमें एक लोई लेना है और हमें यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैदा को परथन के लिए लिया है तो इसमें हमें लोई को लगा देना है ताकि चिपके नहीं। अब चलिए, हमें इस तरह से पूरी जैसा हम बनाते हैं ना उस तरह से हमें बेल कर बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड, हमें इस तरह से सेम बना के रेडी कर लेना है। तो चलिए हम इसी तरह से बना के रेडी कर लेते हैं जितना भी लोई है उतना।
ये देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने ढेर सारा पूरी बनाकर इस तरह से रेडी कर लिया है। फ्रेंड आपका पूरी जितना भी पतला होगा उतना ही आपका मोमो अच्छा होगा। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं। हमने जो पूरी बेला था उसे हमें पूरी को एक और लेना है, और जो हमने सब्जी को मिक्स किया था उसे हमें 2 चम्मच यहाँ पे ऐड करना है पूरी में। अब फ्रेंड हमें इसे मोदक की तरह बनाना है, तो मोदक की तरह हम इसे इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए इसका कोन जो है उसे हमें इस तरह से दबाते ही रहना है, और उंगली से आप सब्जी को अंदर की तरफ थोड़ा सा दबाते ही रहे, ताकि ये बड़ी आसानी से मोमो जो है वो मोदक के शेप में बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मोमो जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से हमें बना के रेडी करना है। हम आपको एकदम मार्केट वाला यहाँ पे मोमो बनाकर बता रहे हैं सही तरीका से, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो हमें इसी तरह से हमें बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड, तो हमें इसी तरह से मोड़ के मोदक के तरह मोमो बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए ऐसा बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से मोमो बना के जो है रेडी कर लिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और है तो इसे भी हम बना लेते हैं। इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने ढेर सारा मोमो बहुत कम समय में बना के रेडी कर लिया है, और ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो चलिए अब इसे हमें भाप पे पकाना है, तो इसे हम पकाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने चलनी वाला थाली लिया है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, इसमें आप मोमो आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, ताकि जब हम इसका ऊपर में मोमो रखें तो वो चिपके नहीं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा देना है इस थाली में। इस तरह का हमें सस्पेन एक लेना है, और सस्पेन में हमें आधा सस्पेन पानी रखना है, और इसका ऊपर में जो जाली वाला थरिया था उसे हमें रख देना है इस तरह से, और गैस को चालू कर देना है। अब हमें इसके ऊपर में एक एक करके मोमो को रखना है। फ्रेंड आप इस तरह से बाजार जैसा टेस्टी घर पे मोमो बना सकते हैं आसानी तरीका से। थाली में जितना 8 पाए उतना ही रखेंगे हम इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने थाली में मोमो को इस तरह से रख दिया है। अब ये पानी जो है वो ठंडा है, गर्म होगा तो इसका भाप से मोमो अपने आप पकेगा। अब चलिए इसका ऊपर में हम एक ढक्कन लगा देते हैं, ताकि ये अच्छे से पके, और हमें इसे 20 मिनट तक पकाना है इसी तरह से ढककर। यहाँ पे फ्रेंड हमने 20 मिनट तक मोमो को अच्छे से ढककर पकाया है। ये देखिए अरे मोमो जो है वो परफेक्ट पक चुका है। तो चलिए अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए कितना शानदार बना है मोमो फ्रेंड्स, मार्केट से भी अच्छा हमने घर पे मोमो बनाया है। ये देखिए फ्रेंड, कितना परफेक्ट यहाँ पे हमने मोमो जो है बना के रेडी कर लिया है, और ये चारों तरफ से पूरा अच्छे से पक चुका है। तो थोड़ा सा और है, हम उसे भी बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तो हमने यहाँ पे ढेर सारा मोमो जो है वो बना के रेडी कर लिया है बहुत ही कम समय में, बाजार से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप सभी को ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके साथ चटनी का रेसिपी शेयर नहीं किया हूँ क्योंकि चटनी कोई भी बना लेता है। तो ये मोमो का रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।